आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसे इंसान की जिनका बहुत मजाक उड़ाया गया, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए खिलौना बन गए, इनके साथ खेलते थे सब लोग, इनका इनके बारे में कुछ भी जो मन आता था वो बोलते थे, इनको मनमोहन बोला गया, इनको बोला गया कि रिमोट कंट्रोल वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, ये खुद कभी डिसीजन नहीं ले पाते, बोलते नहीं है, साल में एक बार बोलते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आज हम एक इनके अलग पहलू की बात करेंगे, ये कैसे प्रधानमंत्री थे भारत के जिन्होंने बहुत कुछ किया, भारत की ग्रोथ रेट कहां से कहां पहुंचा दी, इन्होंने भारत को बचाया, सेवियर ऑफ इंडिया थे ये, अगर भारत की इकॉनमी 1991 में नहीं खोलते तो शायद भारत बिक जाता। इनके सारे सक्सेस जो भी इन्होंने कारनामे किए उन सबको किनारे करके इनको बेवजह टारगेट किया गया। पॉलिटिकल, देखिए पॉलिटिकल गेम्स होते हैं ये सब, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये करती हैं, कोई भी हो वो सब ये करती हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेफ्ट कोई भी हो, तृणमूल कांग्रेस, वो तो आपको अटैक करेगी, ठीक है, क्योंकि यही पॉलिटिक्स है, इसी का नाम ही पॉलिटिक्स है। लेकिन उसके बावजूद सब कुछ हटाते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चुपचाप अपना काम किया, भारत के लिए काम किया, इतने जबरदस्त टैलेंटेड थे, इतने ज्यादा टैलेंटेड इंसान थे ये, इतनी सारी डिग्रियां थी, इतने गजब के इकोनॉमिस्ट थे, और ये जो बोलते हैं कि ये बचा नहीं पाए इकोनॉमिक, मतलब भारत को इकोनॉमिक पावर बना नहीं पाए, ये बिल्कुल गलत है। आज बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं इनकी वजह से हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके बारे में सारे मिसकंसेप्शंस आपके दूर होंगे और देखेंगे कि इनकी जर्नी कैसी थी। वैसे तो मैंने सारे प्राइम मिनिस्टर जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनकी बायोग्राफी को अब लगभग ला ही चुका हूं मैं, जवाहरलाल नेहरू की ऑलरेडी अवेलेबल है, StudyIQ पे आप सर्च कर लीजिएगा, उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी जी और राजीव गांधी की नहीं है, बहुत जल्द मैं उनकी भी ले आऊंगा, वीपी सिंह की भी नहीं है, 13वें प्राइम मिनिस्टर थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दो पार्ट में लेक्चर रहेगा, Part-1 और ये मतलब ये उसका Part-1 है। अब यह तस्वीर देख लीजिए, कितनी प्यारी तस्वीर है ये, इसलिए प्यारी है, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स, भले ही कितने भी आरोप प्रत्यारोप लगे हैं लेकिन उसके बावजूद ऐसी पॉलिटिक्स होनी चाहिए कि नेता एक दूसरे से जब भी मिले प्यार से मिले। लेकिन आज पॉलिटिक्स ने इतना गंदा रूप ले लिया है, पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह से एक दूसरे को गालियां बकती हैं कि क्या बताएं, देखते हुए बड़ा दुख होता है कि ये लीडर्स है और ये देश को चलाएंगे, ठीक है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है एक दूसरे पर ऐसे आरोप लगाती हैं कि पता नहीं पावर की इतनी ज्यादा चाह हो गई है कि लोगों को ही भूल गए हैं। अगर इस तरह की पॉलिटिक्स हो, हर कोई प्रेम से मिले तो कमाली हो जाए, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे 14वें प्राइम मिनिस्टर हैं और मनमोहन सिंह हमारे 13वें प्राइम मिनिस्टर है। ये 2014 की तस्वीरें हैं जब बीजेपी पावर में आई थी और मनमोहन सिंह ने ऐलान कर दिया था कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, और उसके बाद फिर इनका जब गोल्डन करियर खत्म हुआ था और मोदी जी जब आए थे तब उनको ये बुके देते हुए तस्वीर है, देखिए कितनी प्यारी तस्वीर है, दोनों ही बहुत खुश हैं। मोदी जी को भी ये पता है कि इनका स्टेचर कितना था, आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगते रहते हैं दोस्तों पॉलिटिकल गेम में, मैं बता चुका हूं, लेकिन हर किसी को पता था कि मनमोहन सिंह का स्टेचर कितना बड़ा है, वो कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये सबको पता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, sid_econnect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, लेक्चर की PDF ले सकते हैं। साथ ही साथ आज दिवाली है, भगवान करे सारी की सारी खुशियां आपके घर में आ जाए, जिसको जो चाहिए वो मिल जाए, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। 60% डिस्काउंट चल रहे हैं इस दिवाली सेल पे, आप StudyIQ की वेबसाइट या फिर नंबर्स पे कॉल करिए। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो इनकी अर्ली लाइफ देखेंगे, उसके बाद कितना सुंदर इनका दिमाग था और कौन कौन सी पोस्ट पे ये रहे हैं ये देखेंगे, फिर इनके रिफॉर्म्स देखेंगे और अल्टीमेटली जब भारत के ये प्रधानमंत्री बनते हैं तब क्या किया इन्होंने, वो सारी चीजें देखेंगे, उन सब पे नजर डालेंगे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे ज्यादा टाइम तक प्राइम मिनिस्टर थे ये, तो ये सब चीजें देखेंगे। इनका जो जन्म है ना दोस्तों, गुरमुख सिंह और अमृत कौर के यहां 26 सितंबर 1932 में गाह पंजाब, जो इस समय पाकिस्तान में है, वहां पे हुआ था। शुरू में ये बहुत ही ज्यादा मतलब इनकी लाइफ जो है इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि इन्होंने बहुत ही जल्दी अपनी माता जी को खो दिया था और उस समय इतना कोई अमीर तो था नहीं, तो इन्होंने पढ़ाई में बड़ी मेहनत की, पढ़ने का बड़ा शौक था और बड़ी मेहनत की, कैंडल लाइट में पढ़ते थे, इनके गांव में बिजली नहीं थी तो मोमबत्ती लगा के ये पढ़ते थे, और एक बार जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया ना उसके बाद इन्होंने कमाल कर दिया। 1947-48 में पार्टीशन होते हैं, उसके बाद फिर इनकी पूरी फैमिली माइग्रेट करती है वहां से फिर भारत,
तो जब भारत आते हैं यहां पे इनका एक अलग ही करियर शुरू हो जाता है और गोल्डन करियर की इनकी शुरुआत हो जाती है। पंजाब, पहले तो हिंदू कॉलेज में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपनी मास्टर्स और बैचलर डिग्री लेते हैं और फिर सीधा ही ऑक्सफोर्ड जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं कैम्ब्रिज, और वहां पे इकोनॉमिक्स में अपनी पीएचडी को परस्यू करते हैं और अल्टीमेटली वहां पे इनको अवार्ड किया जाता है इनकी पीएचडी डिग्री। दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, इनको बहुत अवार्ड मिले हैं, इनको अनगिनत यूनिवर्सिटीज ने, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में बार बार सम्मानित करती रही हैं। अब उस पर तो मैं इतना नहीं जाऊंगा, लिस्ट इतनी लंबी है कि गिनते गिनते थक जाएंगे, आप देख लीजिएगा नेट पे, ठीक है। फिलहाल ये पीएचडी थे इकोनॉमिक्स से। अब क्या है कि 1947 भारत आजाद होता है, हमको ब्राइट माइंड्स की जरूरत है। उस समय अगर किसी का भी करियर पढ़ाई में बहुत ही जबरदस्त है तो सरकार उसको खींच लेती थी। अब इनका टॉपिक ऐसा था, थीसिस का, आपको पता ही है ना कि आपको पीएचडी में अपनी थीसिस सबमिट करनी पड़ती है, आपने किस सब्जेक्ट पे काम किया है। डॉक्टर्स ऑफ फिलोसफी, पीएचडी, आपकी फिलोसफी क्या है, रिसर्च क्या किया है आपने, तो ये आपको सबमिट करनी पड़ती है। तो इनका टॉपिक ही था भारत के एक्सपोर्ट से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स का पूरा कोर टॉपिक। तो भारत सरकार ने ये कसर नहीं छोड़ी और इनको फिर ले लिया। दोस्तों ये पॉलिटिकल इंसान नहीं थे, ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे। बुक भी लॉन्च की गई थी, किसने बुक लॉन्च की थी चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, और उसमें एक मूवी भी बन रही है, अनुपम खेर जी मनमोहन सिंह का किरदार निभा रहे हैं। ये पॉलिटिकल बंदे नहीं थे, ये कभी भी लोकसभा से चुन के नहीं आए, कभी भी, ये हमेशा राज्यसभा से चुन के आते रहे। अगर ये लोकसभा से लड़ते भी तब भी हार जाते, क्योंकि ये तो इकोनॉमिस्ट थे ना। एक इकोनॉमिस्ट, हाँ हो सकता है, जरूर हो सकता है इकोनॉमिस्ट पॉलिटिक्स या एक साइंटिस्ट पॉलिटिशियन जरूर हो सकता है, लेकिन इनका वो चीज नहीं थी। आपने देखा ही कि कितना शांत रहते थे, गंभीर रहते थे, हर चीज को सोचते थे। जब एक टाइम पे बहुत ज्यादा नॉलेज का लेवल चला जाता है तो इंसान बहुत शांत हो जाता है, तो फालतू की बहस में नहीं पड़ता है, ये आपने भी महसूस किया होगा, ठीक है। इसीलिए चिल्लन चिल्ले से थोड़ी दूर रहनी चाहिए, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी जी पे भी जब इतने सारे आरोप लगते हैं तो वो भी शांत रहते हैं, तो ये कोई आरोप अब मनमोहन सिंह पे नहीं लगा सकता, उन पे नहीं लगा सकता कि वो शांत रहते हैं या वो चुप रहते हैं, वो बोलते नहीं हैं। बात ये है कि फालतू के सवालों का जवाब देना कोई मतलब ये सही बात नहीं है, चुपचाप अपना काम करो और उसके उस हिसाब से देश को आगे बढ़ाओ। तो ये हमेशा सारे पॉलिटिशियंस की कोशिश रहती है जो अच्छी पॉलिटिक्स करते हैं, तो ये चीज है। अब उसके बाद इनका एकेडमिक करियर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में ये इकोनॉमिक्स की डिग्री लेते हैं, उसके बाद फिर ऑक्सफोर्ड जाते हैं, वहां पे पीएचडी करते हैं, और वहां से पीएचडी करने के बाद ये यूंगटैड में भी काम करते हैं। और जब यूंगटैड से वापस आते हैं तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट 1966 से 69 तक, और जब वहां से वापस आते हैं तो भारत सरकार की नजर में तो ये होते हैं, साथ ही साथ सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस में ये पदाधिकारी होते हैं, इनको वहीं पे ही पद मिलते हैं। बहुत टैलेंटेड इंसान होते हैं, हमेशा ये अपनी क्लास में फर्स्ट आते थे, स्कॉलरशिप पे ये रहे थे, इनको स्कॉलरशिप भी मिली थी, बहुत बेहतरीन स्कॉलरशिप जो उसमें बहुत कम लोगों को मिलती थी, और सारे टीचर्स के फेवरेट थे। ये खुद भी कहते हैं कि वहां कैम्ब्रिज ने कुछ टीचर्स ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला और मुझे एक तरह से ग्रूम किया। भैया गुरु की तो जरूरत पड़ती है, बिना गुरु के आप कहां पे कहां प्रॉपर गाइडेंस है, तो हमारे वेदों में ही लिखा है कि गुरु के बिना तो ज्ञान मिलता ही नहीं है, है ना। तो ये चीज है, हाँ मैं भी गुरु हूं, क्या बात है ना, तो ये चीज है। तो अब क्या है कि 69 से लेकर 66 से 69 तक यूंगटैड में काम किए, और उसके बाद 69 से 71 तक ये प्रोफेसर रहे, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, वहां पे पढ़ाते रहे, ठीक है, इकोनॉमिक्स के ही प्रोफेसर थे, ये भी बता दूं। उसके बाद जब इनका काम इतना बेहतरीन था तब भारत सरकार ने सोचा कि अब इनको पकड़ो, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे ये उस समय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, कांग्रेस से ही। देखिए उस समय वन पार्टी रूल था, कांग्रेस ही सब कुछ थी और उसके सामने कोई टिकता नहीं था। ये तो बाद में इमरजेंसी के दौरान जब जनता पार्टी बनी तो पार्टीज स्प्लिट हो गई और बीजेपी भी तो उसी की वजह से आई थी, तो पार्टी स्प्लिट हो गई, सबके मोटिव अलग अलग हो गए, तब मल्टी पार्टी सिस्टम भारत में आई, बहुत सारी पार्टीज भारत में आई जिनको एक्चुअली में रिकॉग्निशन मिला, और उसके बाद फिर खेल बदलना शुरू हो गए, गठजोड़ कोअलिशन गवर्नमेंट की सरकार बनना शुरू हो गई। बीजेपी बहुत सालों बाद ऐसी पहली गवर्नमेंट थी जिसको पूर्ण बहुमत शामिल मिली थी, ठीक है। तो ये चीज थी, उसके बाद फिर ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रहे ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, और देन ये सेक्रेटरी भी रहे फाइनेंस मिनिस्ट्री में। इन्होंने हर बड़ी पोस्ट पे काम किया है,
इकोनॉमिक्स की ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं छोड़ी जहां पे ये मतलब जहां पे ये ना रहे हों, ठीक है। प्लानिंग कमीशन में भी रहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के भी चेयरमैन रहे, तो सारी बड़ी बड़ी संस्थाओं में ये सबसे ऊंचे पायदान पे रहे। और बहुत ज्यादा दुख होता है जब इतने टैलेंटेड इंसान पे उल्टे सीधे आरोप लगाए जाते हैं। क्या बताएं, इतना ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान जिसको हर चीज की नॉलेज है, उसके बावजूद इन पे बड़े आरोप लगते हैं, तो ये चीज है। फिर रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर आरबीआई के गवर्नर भी रहे ये, ठीक है। 80 से लेकर 82 तक प्लानिंग कमीशन में भी ये रहे, और 82 के बाद इनको मतलब 82 के दौरान इनको आरबीआई का गवर्नर भी बनाया गया। उसके बाद फिर डेप्यूटी चेयरमैन रहे 85 से लेकर 87 तक, ठीक है। और फाइनली जब 89 में राजीव गांधी हारे, और उसके बाद चंद्र मतलब बीपी सिंह, फिर चंद्रशेखर की सरकार आई, तो उसमें भी इकोनॉमिक एडवाइजर रहे थे। जी हाँ, इनको स्पेशली बुलाया गया था। और उसके बाद जब चंद्रशेखर की सरकार गिरी, कांग्रेस ने हाथ वापस लिया, 91 में वापस कांग्रेस आई, उसमें पीवी नरसिम्हा राव थे, तो पीवी नरसिम्हा राव ने यह सुनिश्चित किया कि यही फाइनेंस मिनिस्टर बने। इनको हमेशा पॉलिटिकल राइवलरी से बचा के रखा ताकि ये डिसीजंस ले पाए। उस समय भारत की क्या कंडीशन हो गई थी, ये तो किसी से छुपी नहीं है, ऐतिहासिक। मैंने अपने लेक्चर में भी कई बार कवर किया, उसमें सेपरेट लेक्चर भी है, एलपीजी रिफॉर्म। तो 91 के जितने भी रिफॉर्म्स थे वो मनमोहन सिंह की ही देन है। इन्होंने बजट में ही सीधा बोल दिया था कि हम तो ऐसे रिफॉर्म्स चालू करेंगे, रेवोल्यूशनराइज कर दिया था। अगर ऐसा नहीं करते तो भारत उस समय बिक जाता, पूरी तरह से बिक जाता। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने इतना बोल्ड स्टेप उठाया, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, जिसके बाद में इनको इस्तीफा भी देना पड़ा, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन तब भी ये पीछे नहीं हटे। इन्होंने देश के लिए काम किया है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के भी चेयरमैन रहे 1991, और उसको फिर जब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार आई तब इनको बुलाया गया। अब देखते हैं 1991 में क्या हुआ। पीवी नरसिम्हा राव जी की बायोग्राफी में Part-1 और Part-2 मतलब ये ऑलरेडी मैं ला चुका हूं, और इससे पहले जो मेरा लेक्चर था चंद्रशेखर जी की बायोग्राफी भी मैं ला चुका हूं। दो प्राइम मिनिस्टर की बची हुई है जो मेन थे, तीन इनफैक्ट, वीपी सिंह, राजीव गांधी और मोदी जी, उनकी भी बायोग्राफी बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगी। तो 1991 में बहुत बड़ी क्राइसिस हो गई थी। क्या हो गया था, दो चीजें पैरेलली चल रही थी। एक तो भारत में इतने सालों से 47 से लेकर 90 तक जो लाइसेंस राज था, दोस्तों हमारा सोशलिस्ट एक तरह से अप्रोच रहा है हमेशा, ठीक है। बाद में इसको हमने कैपिटलिस्ट में बदल लिया 91 में, ठीक है। अब इसमें क्या था कि सरकार के पास पूरा कंट्रोल था, लाइसेंस दिए जाते थे, तो इसमें सरकार की पूरी अथॉरिटी होती थी। कुछ लोगों को लाइसेंस रहते थे, टीवी तक मैन्युफैक्चर करने के लाइसेंस जो थे वो सरकारी कंपनियों को रहते थे, प्राइवेट का कोई हस्तक्षेप ही नहीं था। क्या होता है कि शुरू में तो ये बढ़िया था, ठीक है, और जरूरी भी था 1947 के बाद, क्योंकि तब थोड़ी ना प्राइवेट, तब तो बहुत भारत को बिल्कुल निचोड़ के रख देते कैपिटलिज्म, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ा, करप्शन स्टार्ट हो गया, और उस करप्शन ने इंटरनली सिस्टम को इतनी बुरी तरह से करप्ट किया है कि सब कुछ खत्म हो गया। पैसे लूटने लगे, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे, बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व थे, पैसे लूटने लगे वो लोग। और इसीलिए जब ये लाइसेंस राज खत्म किया गया, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने बोला कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत का जो फिस्कल डेफिसिट था वो बहुत ऊपर चला गया था, जो घाटा था फिस्कल, जो घाटा होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इतना बढ़ गया था, $1 बिलियन यूएस डॉलर के खाली रिजर्व बचे थे फॉरेन करेंसी। दोस्तों आपको पता ही है कि डॉलर जो है, आप बाहर जब भी व्यापार करेंगे तो आप डॉलर से ही करेंगे, अनटिल एंड अनलेस आपने किसी भी देश से करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन नहीं किया हो। अभी जापान से किया है ना। चलिए अच्छा, मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स ही बता देता हूं आपको, अब यह मत बोल दीजिएगा कि इकोनॉमिक्स में लेक्चर बनाओ, कोशिश करूंगा बनाने की। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें दोस्तों, बैलेंस क्या मतलब, बिल्कुल बराबरी होनी चाहिए। किसके साथ पेमेंट होगा यहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट, बाहर लोगों के साथ। अब बाहर अगर आप फॉरेन में ट्रेड करते हैं तो या तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, खरीद रहे बाहर से, या इंपोर्ट कर रहे हैं, बेच रहे बाहर को, तो एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए ना। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर होने चाहिए।
अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है या इंपोर्ट ज्यादा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आती है। वैसे तो अगर आप ज्यादा बाहर बेच रहे हैं तो बढ़िया है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि बाहर किसी को कुछ भी बेच रहे हैं तो वो आपको पैसे से डॉलर से पेमेंट करेगा, तो आपके पास डॉलर आ रहा है, आपके पास फॉरेन करेंसी आ रही है, बहुत बढ़िया है। लेकिन भारत में इंपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को अगर देखें तो ये दो अकाउंट में हमेशा डिवाइड रहता है। सबसे पहले तो करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में ही मेन प्रॉब्लम होती है, करंट अकाउंट डेफिसिट ही तो होता है ना। चालू खाता जो चालू है, चालू किस पे रहेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल्कुल चालू है, तो इसीलिए इसको चालू खाता बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ठीक है, आप कैपिटल अकाउंट में आपके पास ढेर सारी कैपिटल रहेगी बाहर से। अब ये कैपिटल किस फॉर्म में रहेगी, FDI आएगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स जो होती हैं, जो NRI भर भर के डिपॉजिट करते हैं। तो कैप जितना भी आपके पास धन इकट्ठा होता है बाहर से, ये इसी कैपिटल अकाउंट में तो इकट्ठा होता है। और करेंट अकाउंट का डेफिसिट हमेशा हमारा मेंटेन होता है, क्योंकि हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें बेसिकली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आते हैं, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, इनविजिबल, अभी फिलहाल मैं इसमें इतना नहीं जाऊंगा, आप एक डिविजन समझ लीजिए। तो इसी करंट अकाउंट डेफिसिट में, इसी करंट अकाउंट में हमेशा डेफिसिट रहता है। कैपिटल अकाउंट तो हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि बाहर से NRI काम कर रहा है, भारत के लोग बाहर जा रहे हैं, भर भर के पैसा भेज रहे हैं, आप FDI आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहां पे भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गई थी, हमने एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर लिए थे, इंपोर्ट कुछ था नहीं, प्राइवेट लोग थे नहीं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी नहीं। अब प्राइवेट इंडस्ट्रीज नहीं होगी, भारत का बाहर से अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो आपके पास डॉलर कहां से रहेंगे, आपके पास फॉरेन करेंसी कहां से रहेगी। आपको पता ही ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमको मेंटेन करना होता है, फॉरेन करेंसीज के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, रिजर्व ट्रांशे के फॉर्म में, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स SDR के फॉर्म में, ये सब तरीके से हमको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करना है। और अगर वो उसमें कमी आई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज है, तो उस समय भयानक तरीके से कमी आ गई थी, आपके पास डॉलर नहीं, आप कहां से कच्चा तेल खरीदेंगे। दूसरी चीज क्या हुई थी, ये तो पहली चीज थी और इसमें लाइसेंस राज भी आ गया था। दूसरी चीज क्या हुई थी, गल्फ वॉर स्टार्ट हो गया था, ठीक है। सद्दाम हुसैन की, मैं तीसरी बार ये बता रहा हूं, सद्दाम हुसैन की बायोग्राफी को मैंने रिव्यू किया, लाखों लाखों लोग उसे देख चुके, आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा गल्फ वॉर क्या था, Part-2 में है वो, ठीक है। गल्फ वॉर, ईरान ने, इराक ने कुवैत को इन्वेड कर दिया, बोला कि ये तो हमारा है। उसके बाद अमेरिका ने पूरी फोर्सेज लेके, यूनाइटेड नेशंस ने पूरी फोर्सेज लेके अटैक कर दिया। अब यहां पे भारत भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया था, जब चंद्रशेखर से सीधा सीधा बोला गया था अमेरिका द्वारा कि हम तुमको लोन देंगे। क्यों ऐसा हुआ था दोस्तों, देखिए इस पर भी थोड़ा सा चलते हैं। मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंशियल एडवाइजर थे, वेंकट रमनन मनमोहन सिंह के पास गए, मनमोहन सिंह को एक सुझाव दिया कि सर हमारे पास, हमारे देश में बहुत बड़ी क्राइसिस है, लेकिन हमारे पास अच्छा खासा सोना है, इसको हम बैंक में जमा कर सकते हैं। तो मनमोहन सिंह पहले तो चौंक गए, उन्होंने कहा अरे वाह, मतलब इतना ज्यादा सोना है। और दूसरी बात, उन्होंने, उनको ये फिजिबल आइडिया लगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम बिल्कुल करते हैं। तो इन्होंने चंद्रशेखर को बताया, तो भारत से सोना भर भर के बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, जापान में गया, वहां से पैसा आया, हमने सोना गिरवी रखा, वहां से पैसा दिया, हमारा घाटा कुछ कम हुआ, लेकिन ये मनी पर्याप्त नहीं था, ये पैसा पर्याप्त नहीं था, हमको और भी मदद लेनी थी। तो हमने IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, हेडक्वार्टर कहाँ है चलो भैया कमेंट बॉक्स में बता दो, इसका दरवाजा खटखटाया। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में तो जो 5 परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशंस के, स्पेशली अमेरिका, उनकी दादागिरी चलती है अमेरिका के, अगर अमेरिका कुछ नहीं बोलेगा तो वहां पे पत्ता तक नहीं हिलना है। तो अमेरिका सीधा गल्फ वॉर लड़ रहा था, अमेरिका ने बोल दिया हम बिल्कुल तुमको लोन देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी मदद करो वॉर में, हमारे जो जहाज आएंगे तुम्हारे देश में उसको फ्यूल दो, मतलब रिफ्यूलिंग करो, ठीक है, तब हम तुम्हारे देश से उड़ के कुवैत पे हमला कर देंगे। इनडायरेक्टली भारत को यह न्योता था कि आप गल्फ वॉर में इन्वॉल्व हो जाओ, भारत इन्वॉल्व हो गया चंद्रशेखर ने। उसके बाद सरकार चेंज हो गई, PV नरसिम्हा राव आ गए, भारत में बहुत बड़ी क्राइसिस थी, तो IMF से लोन लेना पड़ा। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है, मतलब हमारी इकोनॉमी खोलनी पड़ी, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है PV नरसिम्हा राव, थोड़ी ना इकोनॉमिस्ट थे, मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट थे, वही तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को देख रहे थे पूरा का पूरा। तो PV नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को पूरी छूट दे दी थी कि तुमको अपने हिसाब से जिस तरह से जो चीज करनी है वो चीज करो और हम तुमको पूरी तरह से साथ देंगे। तब IMF से लोन लिया गया और IMF ने बहुत सारी शर्तें रखी थी और इसी शर्त के दौरान भारत के पैसे को, उसकी वैल्यू को गिराया गया, ठीक है।
अब फॉरेन एक्सचेंज में भी दो तरीके के उसको मैनेज करते हैं, फ्लोटिंग और फिक्स्ड, ठीक है, फिलहाल ठीक है, उस पर इतना भी हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो क्या है कि उस हिसाब से फिर भारत के पैसे को गिराया गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये करना जरूरी था, क्योंकि अगर हम लोन नहीं लेते तो भारत बिक जाता, भारत के पास पैसे ही नहीं थे। अब एलपीजी रिफॉर्म ने क्या किया, यहां पे मनमोहन सिंह ने ये जो ऐतिहासिक रिफॉर्म्स लेके आए थे, रात रात भर जग के जो इन्होंने काम किया था, यहां पे सबसे पहले तो लाइसेंस राज को खत्म किया। लाइसेंस राज को खत्म किया, इसका मतलब क्या है दोस्तों, फॉरेन रिजर्व्स आया, एफडीआई आया, प्राइवेट कंपनीज अब सीधी तरह से हस्तक्षेप करेंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे, कोई भी आपको नहीं रोकेगा। रूल्स काफी रिलैक्स किए गए, टैक्सेशन में भी कम किया गया, बहुत सारी चीजें की गई, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज भैया, इन सबको एक प्रॉपर कंट्रोल की जरूरत है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 सेबी बना दिया गया। आपको पता ही ना कि भारत का जो मार्केट है, मनी मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, वो दो में डिवाइडेड है, शॉर्ट टर्म मतलब मनी मार्केट, लॉन्ग टर्म मतलब कैपिटल मार्केट। कैपिटल भी फर्दर फिर प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइडेड है। प्राइमरी में आपके वही आईपीओस, मतलब जितनी भी आपके जो शेयर मार्केट पूरा आ जाता है ना, ये प्राइमरी और सेकेंडरी पूरा कवर करता है, कैपिटल मार्केट यही तो होता है ना। प्राइमरी में कोई भी अगर कंपनी आ रही है, उसको पैसे उठाने हैं, तो अपने शेयर्स इशू करती है, पहली बार जब शेयर इशू करती है तो इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोला जाता है ना, तो उसको वो प्राइमरी मार्केट में आता है, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और उसके बाद फिर सिक्योरिटीज इसमें आ जाती है, सिक्योरिटीज भी फिर दो तरह की होती हैं, बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटीज होती हैं, शेयर्स होते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सब इकोनॉमिक्स की चीजें हैं, ठीक है, अभी फिलहाल साइड में रखते हैं। तो क्या है कि सेबी एक्ट आ गया, सारी कंपनीज देख रेख में आ गई कि अगर कुछ भी अब गड़बड़ होता है तो हम हैं। बैंकों को बहुत अच्छे से पावर दी गई, आरबीआई को काफी पावर दी गई, हमने अपना जो मतलब मैनेज्ड या फ्लोटिंग पे, हमने अपना फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे हमने अपना जो एम है वो शिफ्ट किया, ठीक है। अब हम मार्केट प्राइस से करेंसी को देख रहे थे, डिमांड एंड सप्लाई पे करेंसी हमारी बेस्ड थी, ठीक है। बैंकों को पावर दी, डीरेगुलेशन किया भारत की इकोनॉमी को, बाहर से लोग आ आके यहाँ पे इन्वेस्ट करने लगे, तो इकोनॉमी जो थी हमारी पूरी ट्रैक पे आ गई। अंदर से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी उठने लगा, ठीक है, घोटाले भी हुए, है ना, हर्षद मेहता केस, मैंने पीवी नरसिम्हा राव ने बताया था ना, उसमें वो भी हुआ, बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई, जिसकी वजह से मनमोहन सिंह को रिजाइन भी करना पड़ा। रिजाइन की उन्होंने पेशकश की थी, लेकिन पीवी राव ने उनका रेजिग्नेशन लेने से मना कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं, हम बिल्कुल नहीं लेंगे, और ये जो भी बोल रहे हैं उनको बोलने दो। पीवी राव को पता था कितने ज्यादा ईमानदार इंसान है, तो ये चीज थी। और मनमोहन सिंह कभी भी लोकसभा से चुनके नहीं आए थे, ये हमेशा से राज्यसभा से चुनके आते रहे, ठीक है। जब उनको लगा कि अब कुछ नहीं होना है और अब मेरा जो रोल है वो ठीक ठाक है, खत्म हो गया है, और उसी वक्त 2004 इलेक्शन आ गया। आपको पता ही है कि 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट रही थी, और अटल जी ने तो कमाल कर दिया था दोस्तों, उनकी बायोग्राफी भी मैंने रिव्यू की है, क्या नेता थे वो, इतने जबरदस्त नेता थे, प्रोबेबली वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर वी एवर हैड, ठीक है। मनमोहन सिंह ने यहां पे, अटल बिहारी वाजपेयी ने जितनी भी चीजें शुरू की थी उनको खत्म नहीं किया, उनको कंटिन्यू किया, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। 2004 इलेक्शन आ गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती, बीजेपी की हार हुई, ज्यादा सीटों का फर्क नहीं था, 145 और 138, ये बीजेपी और ये कांग्रेस, लेकिन जो अलायंसेस था उनको ज्यादा सीटें मिली थी, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि 2004 जब इलेक्शन आए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती, बीजेपी हारी, मतलब यूपीए जीती और एनडीए का जो अलायंसेस है वो खत्म हुआ, तो उसके बाद सबको लगा सोनिया गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन बना कौन, मनमोहन सिंह। सोनिया गांधी, ये बड़ा ड्रामा चला था, पॉलिटिकल ड्रामा काफी चला था, सोनिया गांधी जी ने मना कर दिया था कि हम तो नहीं बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, बहुत मान मनोवल चलता रहा, लेकिन नहीं, तो उन्होंने मनमोहन सिंह को नॉमिनेट कर दिया। मनमोहन सिंह को खुद भी नहीं पता होगा कि कुछ ऐसा होने वाला है, बहुत ही सही डिसीजन था, मनमोहन सिंह एक जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। कुछ गलतियां यहां पर मनमोहन सिंह से हुई, ठीक है, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे, पार्ट टू में, कि इस पूरे जो इनका पूरा टेन्योर था 10 साल का, उसमें क्या क्या गलतियां हुई उनसे, वो भी अगले पार्ट में देखेंगे। लेकिन जब मनमोहन सिंह को नॉमिनेट किया, सब हक्के पक्के हो गए, कोई नहीं चाहता था मनमोहन सिंह बने, ठीक है, ये इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन सोनिया गांधी जी को चाहते थे, सोनिया गांधी ने मना कर दिया, इनर कॉन्साइंस उनका ये अलाउ नहीं कर रहा था उनको कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। और उसके बाद फिर मनमोहन सिंह ने गद्दी संभाली, मनमोहन सिंह के ही राज में दोस्तों भारत की ग्रोथ रेट 9% तक पहुंच गई थी,
8-9% के बीच में पहुंच गई थी ग्रोथ रेट, आपको पता है जब 2009 में। लेकिन फिर ग्लोबल क्राइसिस आ गया और ग्लोबल क्राइसिस की वजह से, अमेरिका हाउस रिसेशन की वजह से पूरी तरह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी डामाडोल हो गई। सबसे बड़ी वजह यह थी यूपीए गवर्नमेंट जाने की 2014 में अमेरिकन जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, उसको हम देखेंगे अगले पार्ट में। इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने गुरशरण कौर जी से शादी की है और इनकी 3 बेटियां हैं। पॉलिटिकल नहीं है ये लोग, पॉलिटिशियन नहीं है, तीनों ही अपनी अपनी फील्ड में बहुत बड़ी स्कॉलर्स है, काफी बुक्स भी रिलीज कर चुकी हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, Part-2 जरूर देखिएगा भैया। अभी तो चीजें शुरू हुई हैं, अगले 10 साल का टेन्योर देखना है कि नहीं, कि क्या क्या किया वो जरूर देखिएगा, ठीक है। ये एक इंसान की बात है दोस्तों, किसी पार्टीज की बात नहीं है। किसी पार्टीज को वैसे भी सपोर्ट इतना, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज तो अपने हिसाब से चीजों को तोड़े मरोड़ेंगी, लेकिन इंसान जो होते हैं हर जगह अच्छे इंसान है, उनके अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया उनकी तो तारीफ जरूर होनी चाहिए। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, जरूर शेयर कीजिए। क्विक रिमाइंडर, 60% ऑफ है, नंबर्स पे कॉल कीजिए, वेबसाइट विजिट करिए। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।